आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको किसी इज्जत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही एक इज्जत के प्रतीक हैं, कंटेंट के देवता हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भाई जोगिंदर के बारे में। गुड मॉर्निंग गाइस, यो जोगिंदर, खराब भाई जोगिंदर खाएगा समोसा, समोसा, इतने समोसे खा जाऊंगा लाल चटनी लगा के, किसी ने सोची नहीं होगी। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि अभी हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। दोस्तों, ये साधारण से दिख रहे मनुष्य बिल्कुल साधारण नहीं है, पर क्यों आजकल लोग इनको रोस्ट करने लग रहे हैं, क्यों आजकल लोग इनको ट्रोल करने लग रहे हैं, क्या ये सच में टॉक्सिक हैं? मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं दोस्तों, क्योंकि इनका कंटेंट जो है हमारे डार्क वेब सीरीज की तरह है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए लोग इनका मजाक उड़ाने लग रहे हैं। औकात की बात करोगे, चलो निकलो, हट ना, धोखा करो, चलो भागो, हट। तू मेरी नकल करता है? दोस्तों, अगर आप आज से 20 साल बाद जाके इनके कंटेंट को देखेंगे, तब आपको कहीं से जाके समझ में आएगा कि ये क्या कंटेंट बना रहे थे दोस्तों, क्या ही कंटेंट बना रहे थे, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को तो आज के ज़माने में समझ भी नहीं आएगा दोस्तों, यकीन नहीं होता। तो वीडियो देखिए, लगाओ भाई, वीडियो लगाओ। भाई छींक आ गई, छींक रहा था, लाइक करो, फॉलो करो। आहा, क्या छींका है दोस्तों। अगर एक नॉर्मल मनुष्य देखेगा तो इस वीडियो को कहेगा कि क्या छींका है, क्या वीडियो है। पर दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें भी बहुत गहरे राज छिपे हैं, तो आइए इस गहरे राज को बहुत ही गहराई से देखते हैं दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आप नोटिस कर पाएंगे कि इन्होंने अपनी गर्दन को 35 डिग्री पे करके धीमे से छींका है। दोस्तों, इससे क्या होता है, खलियर रिसर्च ऑफ यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पता चला है कि अगर आप अपनी गर्दन को 35 डिग्री पे करके छींकते हैं तो आपकी दिमाग की नसें खुल जाएंगी और आपका दिमाग पहले से ज़्यादा सोचने और समझने लगेगा। अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद ही ट्राई करके देख सकते हैं। जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं समित पात्रा से गुजारिश करता हूँ। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं आपको 2020 में ले जाना चाहूंगा। लीजिए आगे दोस्तों। दोस्तों, आपको वो समय तो याद ही होगा जब हम शाम को अपने छत पर बजा रहे थे थाली ताकि भाग जाए कोरोना। पर दोस्तों, क्या उसके बाद आपने कभी बजाई थाली? ना दोस्तों, आपने कभी नहीं बजाई। पर हमारे जोगिंदर भाई तब से आज तक लगातार बजाते आ रहे हैं, नहीं नहीं थाली तो नहीं, ऐसे ऐसे दोस्तों, ताकि कोरोना भाग जाए। दोस्तों, जोगिंदर भाई का हमारे समाज कल्याण में बहुत ही पहले से आज तक बहुत ही लंबा हाथ रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये मजाक लग रहा होगा, पर आप एक दिन ट्राई करके देखें, एक दिन आप ऐसे ऐसे छाती पर अपने मारें दोस्तों, शाम तक अगर आपको अपनी छाती न ट्रांसप्लांट करानी पड़े तो कहना। समोसा समोसा, इतने समोसे खा जाऊंगा। इतने ओएस खाएगा भर भर के, इतने अंडे खा जाएगा, इतना पानी पिएगा इन गर्मियों में, किसी ने सोची नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखे हैं तो आप हर बात में ये नोटिस कर पाएंगे कि जोगिंदर भाई हर वीडियो में हमें खाने और पीने के लिए कह रहे हैं, ताकि हमारा स्वस्थ शरीर बना रहे खा पी के। दोस्तों, जोगिंदर भाई के वीडियो में हर जगह कुछ न कुछ छिपा रहता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें। दोस्तों, ये रोस्ट करने के लिए नहीं बने हैं, मैं तो कहता हूँ कि इन्हें यूथ आइकन बना देना चाहिए, ये एक नॉर्मल इंसान है ही नहीं दोस्तों, ये हमें बहुत ही ज्ञान बांटने लग रहे हैं। पर अभी भी हेटर्स आके कहेंगे हम तो इनका मजाक उड़ा रहे हैं, मैं भी इनका मजाक उड़ा रहा हूँ, पर नहीं दोस्तों, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन बन चुका हूँ, क्योंकि मैं इनसे बहुत कुछ लाइफ में सीखने लग रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं एक अच्छी सी शायरी के साथ। जोगिंदर भाई के मेहनत से होगा सोशल मीडिया पे नए कंटेंट का आगाज,
जोगिंदर भाई के मेहनत से होगा सोशल मीडिया पे नए कंटेंट का आगाज और तुम इनके वीडियो को देख के मजाक उड़ाते हो। अरे तुम तो इनके वीडियो को समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास तो है ही नहीं इतना दिमाग। Snoop